एक माँ एजुकेटेड होगी तो ओबियसली उसके जो बच्चे होंगे वो भी एजुकेटेड ही बनेंगे। हमें सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए, हम लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। नहीं दिया जाता, अपनी जो इज्जत है वो संभाल के रखें लड़कियाँ। उनके आपके साथ कुछ भी होता है आप सीधे फॉरवर्ड जाओ, आप अपने पेरेंट्स को बोलो, पापा को नहीं बोल सकते, अपनी मामा को बोलो या अपनी किसी बहन को बोलो या अपनी किसी फ्रेंड को बोलो ताकि आपकी बात आगे बढ़े और बाकी जो लड़कियाँ हैं उनकी भी इज्जत बचे। ये क्राइम रेट जो होता है वो हम लड़कियों की वजह से ही बढ़ता है क्योंकि हम खुद को कमज़ोर समझते हैं। हम सोचते हैं अगर हम यहाँ रास्ते से निकलेंगे कोई लड़के होंगे तो ये हमें क्या बोलेंगे, हम घर से ना निकले, ये हमारी गलती है क्योंकि वही माँ बनती हैं, वही हर जगह पाई जाती हैं। अगर एक माँ घर पे होगी तभी घर का निज़ाम सही तरीके से चल सकता है। हम तो अकेले ही चले थे जानेब मंजिल, हम तो अकेले ही चले थे जानेब मंजिल, लोग साथ आते गए कारवा बनता गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द कश्मीर स्क्रिप्ट और मैं एजाज तांत्रे। नाज़रीन कराम, आज 8 मार्च 2023 की तारीख है। आज दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो बड़े जोश और जज्ब के साथ मनाया जाता है और आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल में और ये मेरे साथ आप यहाँ पे बेटियाँ जो देख रहे हो, बहनें जो देख रही हो, ये हमारी माएँ भी हैं, हमारी बेटियाँ भी हैं, हमारा फ्यूचर यही है और हमारा मुस्तकबल भी यही है। आज हम इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज वर्ल्ड पूरे दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो मनाया जाता है और इस दिन का मुद्दा और मकसद क्या है मनाने का, आप बताइए आपका नाम क्या है? असमत आशिक जी। आप बताइए मेरी बहन कि आज जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है और डिग्री कॉलेज गांधरबल में भी आज ये दिन बड़े जोश और जज्ब के साथ मनाया जाता है, इस दिन को मुद्दा और मकसद मनाने का क्या पूछा? असल में ये दिन इसलिए मनाया जाता है, जो लड़कियां आदी होती हैं वो हमेशा बैक अपने खुद को बैकवर्ड समझती हैं, उनको लगता है कि लड़की हैं जो भी हैं आजकल, लेकिन ये उन लड़कियों के लिए खास तौर पर मनाया जाता है कि वो अपने आप को आगे बढ़ाएं, उनको मतलब उनके अंदर एक हौसला आ जाए कि हम कुछ भी कर सकती हैं क्योंकि जो लड़कियाँ हैं वही हमारा फ्यूचर हैं क्योंकि वही माँ बनती हैं, वही हर जगह पाई जाती हैं। अगर एक माँ घर पर होगी तभी घर का निज़ाम सही तरीके से चल सकता है, वो अपने घर को भी हैंडल कर सकती है अच्छी तरीके से, अपने बच्चों को तालीम दे सकती है। अगर एक माँ एजुकेटेड होगी तो ओबियसली उसके जो बच्चे होंगे वो भी एजुकेटेड ही बनेंगे, अगर उनको तालीम मिलेगी तो आगे जितनी भी हमारी जनरेशन आएंगी वो खुद ब खुद एजुकेटेड बन जाएंगी। बिल्कुल, क्राइम रेट जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आता है, क्या लगता है आपको किन चीज़ों से आपको आज के प्रेजेंट के दौर में आपको किन चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है? असल में ये क्राइम रेट जो होता है वो हम लड़कियों की वजह से ही बढ़ता है क्योंकि हम खुद को कमज़ोर समझते हैं। हम सोचते हैं अगर हम यहाँ रास्ते से निकलेंगे कोई लड़के होंगे तो ये हमें क्या बोलेंगे, हम घर से ना निकले, ये हमारी गलती है क्योंकि आज के दौर में तो लड़के लड़कियाँ सब बराबर ही हैं। अगर हम खुद को आगे बढ़ाएंगे, हम खुद को स्ट्रांग समझेंगे तो कोई किसी की हिम्मत नहीं होती है लड़कियों को कुछ कहने की, ये खुद लड़की पर डिपेंड होता है, वो खुद को कैसे एक सोसाइटी में एडजस्ट करेगी, वो अपनी क्या इमेज बनाएगी। जब एक लड़की एजुकेटेड होगी तो उसको किसी चीज़ का डर ही नहीं है क्योंकि वो समझती है आज हर किसी लड़की के लिए राइट्स होते हैं तो कोई क्राइम करने का सोच ही नहीं सकता उसके लिए। अब बताइए कि जिस तरीके से अगर हम समाज की बात करेंगे, अगर वादी कश्मीर की बात करेंगे, वादी कश्मीर में लगातार क्राइम रेट जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है, हमारी माँ बहनों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में मेरे पास भी एक केस आया था, एक बहन ने मुझे फ़ोन किया था कि सोशल मीडिया पर किसी ने उसको ब्लैकमेल किया था। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमें सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए, हम लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। अननोन से बात ही क्या करनी, अननोन से बात ही मत कीजिए। और रही बात हम लड़कियों के साथ कुछ भी होता है, आधी लड़कियां ये समझती हैं कि इसमें हमारी गलती है, इन गलती सारी लड़कों की होती है, लेकिन वो फिर भी डरती हैं अपने पेरेंट्स को ये बोलने के लिए, वो सोचती हैं अपनी बदनामी का सोचती हैं अपने पेरेंट्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी, उनको क्या कुछ करना चाहिए उस टाइम? मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके साथ कुछ भी होता है आप सीधे फॉरवर्ड जाओ, आप अपने पेरेंट्स को बोलो, पापा को नहीं बोल सकते, अपनी मामा को बोलो या अपनी किसी बहन को बोलो या अपनी किसी फ्रेंड को बोलो ताकि आपकी बात आगे बढ़े और बाकी जो लड़कियां हैं उनकी भी इज्जत बचे, जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इस वजह से आपको आगे बढ़ना है। समाज में वुमेन्स एजुकेशन का होना कितना ज़रूरी है? बहुत ही ज़रूरी है, अगर वुमेन्स एजुकेटेड होंगी तो उनके चिल्ड्रंस भी एजुकेटेड होंगे, उनको देख के और लड़कियां भी उनकी मोटिवेट हो जाएंगी कि ये लड़कियां अगर पढ़ सकती है तो हमें कोई कमी नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों का पढ़ना। बिल्कुल, आखिरी में जाते जाते जो भी हमारी माँ बहनें देख रही हैं, आपकी बहनें आज पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम देख रही हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की बहनें देख रही हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी इस वुमेन्स डे के हवाले से?
मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ हैं वही हैं सब कुछ। अगर लड़कियाँ हैं तभी समाज है, अगर लड़कियाँ हैं तो सभी कुछ है। तो उनको ये कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, उनको हमेशा आगे ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि ना लड़कियाँ किसी से कम है ना कुछ। आज जिस शोबे में हम देखें तो लड़कियाँ हर किसी से आगे ही हैं। तो उनको किसी भी मतलब कोई घर की कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि वो लड़कियाँ पढ़ नहीं सकती, तो उनको अपने घर वालों से बात करनी चाहिए कि अगर हम लड़कियाँ एजुकेटेड होंगी तो पूरा माहौल अच्छी तरीके पूरा निज़ाम अच्छी तरीके से चल सकता है। बिल्कुल, आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज रहेगी? मैं भी बस यही बोलना चाहूँगी कि अपनी जो इज्जत है वो संभाल के रखें लड़कियाँ। उनके साथ कुछ भी होता है वो सीधा फॉरवर्ड आएँ। हम इस बात से डर जाते हैं कि समाज क्या सोचेगा, हमारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, लेकिन हमारी भी तो कोई फीलिंग्स हैं। वुमेन राइट्स की बात अगर हम करेंगे, क्या वुमेन को वो राइट दिया जाते हैं जो उनको मिलना चाहिए? नहीं दिया जाता। जी बिल्कुल नाज़िर इकराम, आज हम मौजूद हैं डिग्री कॉलेज गांधरबल में। जिस तरीके से आपको एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि आज दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो मनाया जाता है। और जिस तरीके से हमारी ये बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, ये हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हमारी माएँ यही हैं, इन्होंने एक अच्छी मैसेज दिया है कि अगर किसी भी लड़की के साथ या किसी भी बहन के साथ कहीं पर भी ज़्यादती होती है, ख़ासतौर पर अगर हम आज की बात करेंगे, क्राइम रेट में लगातार इजाफा होता जा रहा है, सोशल मीडिया पर उनके साथ क्राइम जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है, अगर उनके साथ किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी होती है, इसके साथ भी राबता कर सकते हैं। वो आगे आए, अपनी बात जो है वो रखिए, अपने पेरेंट्स के साथ बात शेयर कीजिए कि अगर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है। बहरहाल आपको लगातार और भी अपडेट देने की कोशिश करेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। गांधरबल से मैं एजाज़ दादरी।